नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम टीवी में। आज हम पहुंचे हैं यहाँ की सब्जी मंडी और हम जानेंगे प्याज के बारे में कि अभी क्या दाम चल रहे हैं और आने वाले समय में क्या दाम होंगे और सरकार द्वारा जो इस पे आयात निर्यात की छूट दी गई है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा प्याज पर। हम जानते हैं सुभाष साहू जी से जो यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी है। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या रेट चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ हाल फिलहाल प्याज के रेट 14 से 15 रुपए और कुछ अच्छे सुपर माल डॉलर माल वो बिक रहे हैं 16-17 रुपए किलो। और गवर्नमेंट की तरफ से आया निर्यात में मतलब कुछ छूट दे दी गई है, तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि प्याज के रेट बढ़ेंगे। प्याज के रेट बढ़ने के पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न तो प्राकृतिक मानसून वगैरह, उसके कारण भी जैसे हमारे कुछ प्याज के जो क्षेत्र हैं आजू बाजू के, उन क्षेत्रों में ओलावृष्टि वगैरह हुई है, तो उनके कारण जो खड़ी फसल थी, खड़ी फसलों में प्याज में कुछ ऐसा फ़र्क आ गया जिसके कारण प्याज कम समय के लिए टिक रही है। और प्याज जो है मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ये छूट देने से किसानों को ज़्यादा राहत मिलेगी। और आज के समय में किसान हर तरीके से मतलब टूट सा भी गया है तो उनको रेट मिलना भी जायज़ है, क्योंकि बहुत मेहनत है हर चीज़ की खेती बाड़ी करने में, क्योंकि खाद बीज वगैरह बहुत महंगे हो चुके हैं। और कुछ किसानों ने तो पिछले 2-4 सालों से जो रेट कम मिल रहे थे उसके कारण तो उन्होंने खेती में भी थोड़ा रुझान अपना कम कर दिया। पक्की फसलों में ज़्यादा चले गए हैं वो कि भाई गेहूं मक्का लगा लो, उसमें ज़्यादा फायदा है। तो मेरे को लगता है कि इस बार किसानों को चांस अच्छा से अच्छा और रेट अच्छे मिल सकते हैं। और कुछ गवर्नमेंट ने जो छूटें दी हैं उसका फ़ायदा किसानों को ज़्यादातर होने को दिख रहा है। अभी तो हाल फिलहाल जैसे 15 से 20 दिन से सेम रेट चल रहा है, 15-16 के आसपास बाजार टिका हुआ है। फिर जैसा माल वैसा भाव भी रहता है। अच्छी क्वालिटी की प्याज 16-15 रुपये उससे ऊपर अभी कुछ नहीं बिक रहा है। और अभी स्टॉक की प्याज अभी धीरे धीरे निकलना चालू हो गई है। और बाहर की मंडियों में भी ऐसा कि जो गवर्नमेंट ने छूट दी है उसके कारण थोड़ी सी तेज़ी आने की संभावना लग रही है। अब देखो चुनाव के बाद क्या होता है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के जो नरमी के कारण किसानों को अच्छा से अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। जो मौसम की मार है इससे जो शॉर्टेज आएगा इसमें यकीनन है कि आने वाले समय में कितना तक प्याज का दाम जा सकता है। देखो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें ओलावृष्टि ज़्यादा होने के कारण बहुत लंबी क्वांटिटी में माल ख़राब भी हो चुके हैं। ख़राब ऐसे नहीं है कि भाई वो स्टॉक रखने लायक के नहीं है, वो जैसे अपने रेगुलर यूज़ के हिसाब से है, वो 8-15 दिन तक वो फसलें टिक पाएगी और बाकी कुछ फसलें बैठने लगी है। तो एक कारण तो ये होगा कि जिसके कारण रेट माल ही नहीं रहेगा तो रेट तो रहेगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ने जो छूट दी है उसके कारण बाहर विदेश माल जाएगा, जैसे 5-6 देशों का उन्होंने दिया है कि यहाँ जाएगा, तो उधर के कारण थोड़ा से किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आने वाले समय में किसानों के लिए प्याज एक अच्छा मौका है और हम चाहेंगे कि किसानों को इसमें अच्छा दाम मिले। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी, छिंदवाड़ा से।